अब खबर क्रिकेट से। क्रिकेट प्रेमी वेस्ट इंडीज जाकर क्रिकेट देखना चाहते हैं तो उन्हें अब वीजा की मारामारी नहीं करनी होगी। वेस्ट इंडीज सरकार ने पर्यटकों के लिए अब कैरी कॉम वीजा इशू करने का ऐलान किया है। मतलब ये है कि आप एक ही वीजा लेकर वेस्ट इंडीज की सैर कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखकर अब टूर ऑपरेटरों ने भी वर्ल्ड कप के लिए खास पैकेज निकाला है। क्रिकेट के प्रति भारतीयों की दीवानगी उन्हें कहीं भी ले जा सकती है, खासकर तब जब भारत भी मैचों की उन सीरीज में शिरकत कर रहा हो। यही वजह है कि वेस्टइंडीज में विश्व कप से पहले वहां जाने वाले भारतीय अपने मतलब के पैकेज की तलाश में लग गए हैं। अब केवल एक ही वीजा लेकर आप वेस्टइंडीज की सैर पर जा सकते हैं। वेस्टइंडीज टूरिज्म बोर्ड ने खासकर वर्ल्ड कप के लिए कैरीकॉम वीजा शुरू किया है। 3 रात और 4 दिन के इस पैकेज में होटल में ठहरने के अलावा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए टिकट और साइट सीइंग शामिल है। पैकेज में घूमने के अलावा जमैका, पोर्ट ऑफ स्पेन, सेंट लुसिया, किंगस्टन या बारबाडोस में होने वाले कोई भी 2 मैच देखना शामिल है। एक ही वीजा से आप सारी कंट्रीज विजिट कर सकते हैं और इंटरनेट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके फॉर्म वगैरह को, और किसी भी एक कंट्री की एम्बेसी में जाके आप ये वीजा ले सकते हैं। जैसे शेंजन वीजा है उसी तरीके का ये वीजा है, और इस वीजा से वर्ल्ड कप के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। आप ये नहीं है कि हर कंट्री में जाके वीजा लेने पड़ेंगे। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के चलते वेस्टइंडीज में होटलों में कमरे खाली नहीं हैं, लेकिन आपके ठहरने का इंतजाम क्रूज पर किया जाएगा। इन क्रूज पर ठहरने से एक फायदा हो सकता है, आपको क्रूज के जरिए उन सभी जगहों पर ले जाया जाएगा जहां मैच आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि सभी मैच किसी न किसी आइलैंड पर ही होंगे। इन सभी के चलते टूर ऑपरेटर्स के पास बुकिंग का तांता लगा हुआ है और अब तक करीब 5,000 बुकिंग भी हो चुकी है। मगर जो शिप का ऑप्शन है वो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि प्रीमियर मैचेस के लिए वो शिप फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड जाएगी और आपको मैच भी दिखाएगी और आप क्रूज का भी मजा ले सकते हैं, तो है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। जाहिर है इन सभी पैकेजेस के जरिए भारत से घूमने फिरने वाले पर्यटकों से ज्यादा स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अनुराग मानखंड, जी बिजनेस, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।